हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं व्हाइट सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम कई सारे इटालियन डिश बना सकते हैं। पास्ता के साथ साथ इसे कई डिशेस में यूज होता है, तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने गैस पे एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। गैस को हमें ऑन कर लेना है और इसमें डालना है एक बड़ा चम्मच बटर। बटर को हमें हल्का सा मेल्ट होने देना है, नहीं तो बटर अपना जल जाएगा। बटर अपना मेल्ट होने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो यहाँ पे हम दो बड़ा चम्मच मैदा ले रहे हैं। अब देख सकते हैं मैदा हमें ज़्यादा नहीं लेना है। मैदे को हम बटर के साथ अच्छे से सेकेंगे। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेंगे और आराम से मैदे को सेकेंगे। मैदा जलना नहीं चाहिए, बटर के साथ अच्छे से पकाना है इसे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी बटर में मैदा पकते हुए दिख रहा है। तो ध्यान रहे, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और अच्छे से खुशबू आने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं हमने बटर के साथ मैदे को 3 मिनट तक भूना है। खुशबू आने लगी है और अपनी कढ़ाई में बटर बिल्कुल मैदे के साथ चिपक भी नहीं रहा है। तो इस स्टेज पे आप समझ सकते हैं कि अपनी मैदा जो है वो अच्छे से भून चुकी है। इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हमने 700 ग्राम दूध लिया है। बटर में हम धीरे धीरे दूध डालेंगे। आप ये बात को ध्यान से देखिए और स्पेचुला से चलाते जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और जल्दी जल्दी स्पेचुला से चलाएंगे। इसमें लम्स नहीं आनी चाहिए। वैसे तो मैदे में जब अपनी बटर भून जाती है तो बिल्कुल इसमें लम्स नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से इसे दूध को डालते हुए और मिक्स करते रहिए। हमने धीरे धीरे करके अपने सारे दूध डाल चुके हैं। अब हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। हमें कंटिन्यू चलाना है, चलाना नहीं बंद करना है, नहीं तो ये पेंदी में लग जाएगा। फिर तो व्हाइट सॉस अपनी जली जली सी स्वाद में आने लगेगी। अब थोड़ा सा दूध बचा है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमने सारे दूध को डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। एक प्याज लेंगे और उस पे एक तेज पत्ती रखेंगे। तेज पत्ती के ऊपर से हम एक लौंग लेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए पिरो देंगे और इसे हम इस सॉस में डाल देंगे। इससे बहुत बढ़िया अपना एक फ्लेवर आता है। आप बिल्कुल इटालियन की तरह ये सॉस को महसूस करेंगे जब टेस्ट करेंगे। तो ये हमने एक प्याज को 4 टुकड़ा कर रखा है और सभी टुकड़े में एक तेज पत्ती और एक लौंग डाल के इसमें डाल दे रहे हैं। चलिए हम 3 ही डाल रहे हैं और इसे चलाएंगे। जब तक अपना सॉस गाढ़ा होगा तब तक ही हमें इसे डाल के पकाना है, बाद में हम इसे निकाल लेंगे। व्हाइट सॉस को हमने 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, 1 चम्मच ब्लैक पेपर और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम फिर से इसे मिलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यानी कि बिल्कुल अपने सॉस के कंसिस्टेंसी में आ जानी चाहिए ये दूध और मैदे का घोल। तो अब देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी व्हाइट सॉस बनी है। ये थोड़ी और ठीक होगी ठंडा होने पे, लेकिन अभी गरम गरम में यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें व्हाइट सॉस की। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया व्हाइट सॉस बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया व्हाइट सॉस बनाना कितना आसान है। तो इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।